काम करना शुरू किया है। लगातार हम सब लोग यहाँ बहुत मेहनत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात हमारे सामने आ गई कि यहाँ कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए जितनी तादाद पे सब चीज़ें मौजूद है उससे थोड़ा सा कम प्रभाव ऐसा दिख रहा है कि नॉन कोरोना के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और उनको टाइम पे अगर मदद नहीं मिली तो उनकी बीमारी ज़्यादा सीरियस होती जाती है और उन पर काफ़ी बुरा असर उस वजह से हो जाता है। तो हमने उस पर ये इलाज ढूंढा है कि कोरोना की बीमारी पे गवर्नमेंट के लोग तो ध्यान दिए हुए ही है, लेकिन प्राइवेट लोग या कोई एनजीओज है, कोई स्वयंसेवी संस्था है, उनकी मदद से हम नॉन कोरोना को भी टैकल कर सकते हैं क्या। और इसमें मुझे भारतीय जनसंगठन का विशेष आभार है कि उन्होंने जैसे शांतिलाल जी मुथा जी से मेरी बात 4-5 दिन पहले हुई तो ऐसा बहुत कम जगह दिखने को मिलता है कि कोई बात होती है और उसका असर इतने कम समय में हो जाए। तो 3-4 दिनों में उन्होंने सब मोबिलाइजेशन किया और आज 11 गाड़ियाँ हमारे यहाँ आ गई है। इसके 2 फायदे होंगे मालेगांवकरों को। एक तो फ़ायदा ये होगा कि कोरोना का पेशेंट टाइम पे डिटेक्ट हो जाएगा और उसको सब ट्रीटमेंट मिलना शुरू होगी। आज हमने 20 पेशेंटों को दुरुस्त किया हुआ है, वो अपने घर लौट गए हैं, तो टाइम पे अगर कोई आता है तो वो दुरुस्त भी हो जाता है। और उसके सिवा अगर कोरोना का पेशेंट कोई मिल जाता है तो वो टाइम पे आ जाएगा, और नॉन कोरोना का पेशेंट मिलता है उसे तो डायरेक्ट मदद ही मिल जाएगी, यानी यहाँ डॉक्टर होंगे, गोलियाँ दवाइयाँ सब कुछ होगा, तो उस नॉन कोरोना पेशेंट को तो डायरेक्टली दवाई दी जाएगी। तो दोनों चीज़ों से लड़ने की सामग्री ये है। मुझे लगता है कि मालेगांव पर इसका ठीक से यूज करेंगे और फिर से गुजारिश है कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, जितनी खुद की अच्छे से आप ठीक तरीके से एक दूसरे से दूर रहेंगे, अपनी बीमारी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बता देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे हमें कायम के लिए छुटकारा मिल सके। कि बचाना चाहते हैं आपने खुद ने ख्याल करना है, और अगर आप गलत तरीके से करोगे तो हमने देखा है कि मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर खुद की ज़िंदगी की हमें अगर कोई परवाह है तो औरों की ज़िंदगी की है, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी की है, अपने माँ बाप की ज़िंदगी की है, तो खुद होके उसकी हमने ठीक तरीके से एक केयर लेनी चाहिए। किसी ने और ने बोल के, पुलिस ने डांट के या किसी दूसरे की वजह से नहीं होना चाहिए, वो खुद होके ही करना चाहिए, और यही इस बीमारी का असली मायने में इलाज है। भारतीय जैन संघटनेच्या वतीने आपण जगित असेल की 11 व्हॅन्स या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। मालेगाव महानगरपालिकेचे डॉक्टर स्टाफ तिकडे असणार आहे, गोळ्या औषधं त्याच्यासाठी जे काही उपलब्ध लागेल ती सर्व उपलब्धता मालेगाव महानगरपालिकेच्या वतीने करून दिली जाणार आहे। शहराच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये एक शेड्यूल कार्यक्रम तयार करून किती वाजता कोणतं व्हॅन कोणत्या ठिकाणी कोणत्या भागामध्ये असणार आहे याचा कार्यक्रम तयार करून त्या भागामध्ये जाऊन हे रुग्णांची तपासणी करतील। त्याच्यामध्ये नॉन करोना जो रुग्ण असेल त्याच्यावर उपचार केले जातील, मोफत गोळ्या औषधं सर्व सुविधा दिली जाईल। त्याला पुढच्या ट्रीटमेंटची आवश्यकता असेल तर आपलं जे सामान्य रुग्णालय आहे त्या ठिकाणी त्याला रेफर करून त्याच्यावर पुढील उपचार केले जातील। कोरोना सदृश जर रुग्ण आढळून आला तर त्या रुग्णाला जे काही सरकारी रुग्णालय आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की जे काही दवाखाने उघडत होते तर त्याला एक आता काही प्रमाणात दवाखाने ऑलरेडी उघडलेले आहेत, परंतु त्याला हा एक चांगला पर्याय या ठिकाणी उभा करून दिला। आणि म्हणून जैन संघटनेचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। जैन संघटनेच्या माध्यमातून यापूर्वीसुद्धा मला चांगलं आठवतं आहे, कुठे भूकंप झाला असेल, कुठे वेगवेगळ्या घटना घडल्या असेल तर त्या ठिकाणी स्वतः धावून जाऊन त्यांनी समाज उपयोगी कार्यक्रम नेहमीच केलेले आहेत। आणि आज देशाच्या पातळीवर जो काही कोरोनाचं एक संकट जगाच्या पाठीवर आलेलं आहे तर त्यामध्ये आपल्या देश पातळीवर आपल्या महाराष्ट्राच्या पातळीवर जैन संघटना आरोग्याच्या संदर्भामध्ये एक जनजागृती आणि प्रत्यक्ष कृतीमधून काम करता आहे, आणि म्हणून मी त्या सर्वांचं आभार व्यक्त करतो। शहर की आवाम से गुजारिश आहे, मैं उनसे मोहतबाना गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों के घरों में हल्की सी खांसी आ रही है, हल्का सा ताप यानी बुखार अगर है या कुछ ऐसी सर में दर्द है तो तुरंत ये मोबाइल वैन आपने अपने हर महल्ले में आएगी, उसमें से दवा लीजिए और इस कोरोना और अपना जाकर अपना टेस्ट करवाइए। स्वैब टेस्ट देने के बाद अगर कोरोना का कोई सस्पेक्टेड पेशेंट मिलता है, कोई कोरोना बीमारी के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो मेहरबानी करके पहली फुर्सत में जाकर उसका
उपचार करिए, उसका इलाज करवाइए ताकि ये बीमारी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए। और छोटी मोटी बीमारी है तो इसमें से आप लोग सब दवा लीजिए, शहर को बचाइए, घर को बचाइए और अपने परिवार को। मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का आप लाभ उठाइए। आपको जो छोटी मोटी दवाइयाँ बीमारी है उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, मुफ्त में दवाई ले लीजिए और उसके साथ अगर आपको थोड़ी भी शंका आती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह कर अगर आगे के चेकअप के लिए बड़े अस्पताल में जाने की ज़रूरत है तो वो भी व्यवस्था इस माध्यम से की जाएगी।